नाइन्थ की वीडियो उठाना, एक बार जो मैंने नाइन्थ क्वेश्चन की वीडियो बनाई है और एक बार नाइन्थ क्वेश्चन पेपर उठाना, सिविक्स के सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले, सेम टू सेम क्वेश्चन बाहर नहीं, क्वेश्चन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन है ना ऑप्शन भी सेम टू सेम देखने को मिलेंगे जाके आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर एकेडमी पर, मैं सुमित ठाकुर। तो दोस्तों आपको पता है कि ट्वेल्थ का हमने लगभग सारे चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, ठीक है ना। एंड जो आपका आज वीडियो बनने वाली है ये बनेगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है ना। इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं आएगा। अगर आपको इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा जो मैं बोल रहा हूँ तो आप एक बार जाके देखो, नाइन्थ की वीडियो उठाना, एक बार जो मैंने नाइन्थ क्वेश्चन की वीडियो बनाई है और एक बार नाइन्थ का क्वेश्चन पेपर उठाना, सिविक्स के सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले, सेम टू सेम क्वेश्चन बाहर नहीं, क्वेश्चन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन है ना ऑप्शन भी सेम टू सेम देखने को मिलेंगे जाके आप। बुक के जितने भी सारे चैप्टर, लगभग नौ चैप्टर आ रहे, फर्स्ट बुक से सेवन चैप्टर और सेकंड बुक से आपके दो चैप्टर, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप भी होंगे, सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो आपको एंड तक वीडियो बने रहना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप ये करके चलेगा ना बस बहुत है, तो बस इतना करके जाना है, ठीक है। वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलो, पहला चैप्टर है अपना राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस बुक से आपके दो चैप्टर आ रहे हैं, एक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक आपका सेकंड चैप्टर आ रहा है, ठीक है ना, एक दलीय व्यवस्था वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आजाद भारत के समक्ष मुख्य तीन चुनौतियां कौन कौन सी थी। मतलब दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हमारा भारत आजाद हो गया था तो ऐसे क्या तीन चैलेंजेस आए थे हमारे भारत में, तो वो चीज पूछ रहा है। तो आपको कौन कौन से इसमें चैलेंजेस लग रहे हैं दोस्तों? कौन कौन से चैलेंजेस आपको लग रहे हैं दोस्तों, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी सोचो जब तक मैं कलर चेंज करूं इसका भाई। हाँ ये ठीक है, हाँ जल्दी बताओ। एकता बनाए रखना, मतलब यूनिटी, पहला पॉइंट बोल रहा है यूनिटी बनाए रखना, क्या पहला पॉइंट ये ठीक बोल रहा है? हाँ, तो दोस्तों पहला चैलेंजेस यही था, यूनिटी बनाए रखना। अगर आपने देखो, अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आप लोग क्या कर लो, पहले वीडियो जाके पढ़ लो दोनों चैप्टर की, लगभग 40-40-80 मतलब 110 कुछ मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा लगभग। हाँ 110 मिनट में, 100 घंटे 100 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगता है 100 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है तो पहले वीडियो देख लो, फिर जब आओगे ना आपको सारी चीज़ें क्लियर मिलेगी। फर्स्ट यूनिटी बनाए रखना, लोकतंत्र कायम करना यानी डेमोक्रेसी, ये भी दूसरा चैलेंजेस था, ठीक है। तीसरा आपका समूचे समाज का विकास करना, ठीक है ना, मतलब जितना भी अपना पूरी सोसाइटी थी, ठीक है ना, पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो था उसको डेवलप करना, ये तीन पॉइंट थे। तो दोस्तों ये तीनों बातें सही बोल रहा है, ठीक है ना, तीनों पॉइंट एकदम सही है, इसका आंसर हो जाएगा अपना आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। ये तीन चैलेंजेस थे, तो आप थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हैं, तीन चैलेंजेस और तीन चैलेंजेस ये और उपरोक्त सभी आंसर है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या एकदम ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी, जब हमारा भारत आजाद हो गया था ऐसी कौन सी दो बातें थी जिस पर सब सहमत थे, इस पर भी तुक्का लग सकता है। यही दो बातें थी दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शासन चलाया जाए, मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा क्या चले, रूल वगैरह चले और सबके भले के लिए काम हो, और सबके भले के लिए क्या होना चाहिए भाई, काम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यही आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा वैसे चीजें आपको सही तो दिख रही है ना भाई, एक बार चेक कर लूँ जब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या दोस्तों कब और किसने करी, महात्मा गांधी की हत्या कब होती है और किसने की, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ो, 30 दिसंबर 1948 नाथुराम गोडसे, ठीक, करी तो नाथुराम गोडसे नहीं थी, ये तो आपको सब पता है, बस हमें डेट देखनी है, क्या 30 जनवरी 1948 था, 30 अगस्त 1947 था, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ कमेंट करके कौन सा था भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना, 30 जनवरी 1948 में नाथुराम गोडसे द्वारा गोली मारी गई थी दोस्तों, ठीक है, बैरेटा गन से। चौथा, फैज अहमद फैज कौन थे, ये आपके कोने में जब आप पढ़ोगे तो कोने पे एक बॉक्स होगा, तो उसमें फैज अहमद फैज की चर्चा कर रखी है, आप जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आप ये जो आंसर होगा ये आपको आप कमेंट में बताओगे, जाके थोड़ी बुक भी खोलो, ठीक है, कमेंट में बताओ कौन थे, वो एक टाइप के कवि थे या एक टाइप के नेता थे या संगीतकार थे या पत्रकार थे, जल्दी से इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से बुक खोलो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ, ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर देखे जाए चौथे क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम किस नाम से, मतलब जो सीमांत गांधी थे आपके, ठीक है, हमने पढ़ा था उत्तर पश्चिम के जो आपका, जैसे मान लो आपका इंडिया बनता है तो ये वाला इलाका उत्तर, उत्तर ऊपर होता है और पश्चिम क्या होता है, सीधा आता है हमेशा पूरब होता है पश्चिम, मतलब इस टाइप के यहाँ के नेता कौन थे, इनको सीमांत गांधी बोला जाता था, क्या नाम था उनका, किन के नाम से उनको जाना जाता था। पहला ऑप्शन दे रखा है मोहन, ठीक है, ये तो होगा नहीं, महात्मा गांधी,
ठीक है, अब खान अब्दुल गफ्फार खान एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन सा हो सकता है दोस्तों इसमें से, क्या आपको सही लग रहा है? तो मुझे तो यहाँ पे सही लग रहा है भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इन्होंने, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखो एक क्वेश्चन और देख चेक करना कि इस टाइप से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा सीमांत गांधी के नाम से, या फिर पूछ देगा खान अब्दुल गफ्फार खान को और किन नामों से जाना जाता है, तो फिर आप टेक दोगे यहाँ पे सीमांत गांधी, ठीक है, और उत्तर कहाँ के नेता थे तो आप बता दोगे उत्तर पश्चिम के नेता थे, ठीक है। तो ये टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप करके रखना। और पूछेगा आपको द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा करा गया था, किन दो के द्वारा करा गया था, तो एक कांग्रेस और दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने क्या करा था भाई, द्विराष्ट्रीय टू नेशन थ्योरी का क्या करा था, अगेंस्ट में गए थे, उनका विरोध करा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग करके जाए। छठा क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? दोस्तों भारत का जो विभाजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, किस आधार पर हुआ था? क्या जाति के आधार पर हुआ था, क्या रंग रूप के आधार पर हुआ था, क्या भाषा के आधार पर हुआ था, या धर्म के आधार पर हुआ था? तो किसके आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, धर्म के आधार पर भारत का क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था। अब आओ सेवंथ क्वेश्चन पे, महाराजा बोध चंद्र सिंह ये किस संबंध से, महाराजा बोध चंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से था? रियासत आप समझ गए, पहले देशी रियासत क्या होता है पहले वो समझो, ठीक है, प्रांत और देशी रियासत में डिफरेंस समझो। तो तीन चार क्वेश्चन को आप क्लिक कर सकते हो वहाँ पे और आराम से कर सकते हो, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन कौन कौन से, जैसे मान लो भारत के अंदर ना 565 ऐसी जगह थी ना जिसपे क्या हुआ करता था, राजा का कंट्रोल था, राजा, उसी को बोलते थे देशी रियासत। 565 जगह पर किसका कंट्रोल था, राजा का, जिसको देशी रियासत भी बोल सकते हो, ठीक है, और रजवाड़े भी बोल सकते हो, देसी रियासत एंड रजवाड़े बोल सकते हो, जिस पर राजा कंट्रोल था वो कितनी थी, 565। और कुछ जगह थी जहां पे किसका कंट्रोल था भाई, ब्रिटिशर्स का, यानी अंग्रेजों का कंट्रोल था, वो लगभग 17 के पास थी, जिसको हम बोलते हैं प्रांत या फिर प्रोविंस, प्रांत है उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोविंस बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो 565 पे देशी रियासत यानी रजवाड़ो राजा वगैरह कंट्रोल होता था, लगभग 16-17 ऐसी जगह पे थी जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, और पूरे भारत पे अगर भारी देखा जाए तो किसका कंट्रोल था, पूरे भारत पे अंग्रेजों का कंट्रोल था, और अंदर अंदर भी कुछ कुछ जगहों पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, जिसको प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया देशी रियासत और प्रोविंस के बारे में। तो अब ये पूछ रहा है, ये मतलब रियासत की बात कर रहा है, रजवाड़ो की बात कर रहा है, देशी रियासत, तो यही बोल रहा है ये जो राजा थे महाराजा बोध चंद सिंह, ये राजा थे तो ये किससे होंगे, रजवाड़ों से होंगे, तो किस देशी रियासत थे, कौन से रजवाड़े से थे, हैदराबाद रजवाड़े से थे, या फिर मणिपुर रजवाड़े से थे, या फिर कश्मीर रजवाड़े से थे, जूनागढ़, तो जूनागढ़ के नहीं थे दोस्तों, कश्मीर के नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद में कौन था, निजाम, तो ये कहां के थे, मणिपुर के, तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन करने के साथ साथ एक बार जब पूरी वीडियो देख लोगे, जब क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को कॉपी पेन ले बैठ के वीडियो को दोबारा से अच्छी तरीके से स्टॉप करके क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से आंसर करना है, क्वेश्चन पढ़ना उस टाइम मेरे को, मेरी कुछ भी नहीं सुननी, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना है, तो ये काम आप लोगों को करना है। सातवां क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई, आ जाओ आठवें क्वेश्चन पे। नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया, उस भाषण का क्या नाम था भाई, नेहरू ने क्या करा था दोस्तों, 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट की बात हो रही है दोस्तों, कौन सा भाषण दिया था जो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस, कौन सा भाषण दिया था दोस्तों, तो हमने पढ़ा था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, पढ़ा था ना भाई ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो उसको हिंदी में बोलते भाग्य वधू से चिर प्रतिशिक भेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो पहला आजादी के आजादी घोषणा ये था भाषण नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, भाग्य वधू से चिर प्रतिशिक भेंट, और सेकेंड आपका हो जाएगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ, नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की बात कही थी, मतलब पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने बोला हम ना इंडिया में ना पाकिस्तान में हम आजाद रहेंगे, ऐसा कौन सा था इनमें से, ऐसे कौन सी रियासत की बात हो रही है, ऐसे कौन से रजवाड़ों और ऐसे कौन से प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। क्या कश्मीर था भाई, नहीं, क्या जूनागढ़ था, नहीं, क्या त्रावणकोर था, नहीं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद ने सबसे पहले मांग रखी थी कि हम क्या रहेंगे, आजाद। रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र पे सिग्नेचर करके होता था, मतलब पहला जो रजवाड़े भी जो भारत में मिलते थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ऐसी चीज बना रखी थी, जो भी रजवाड़ा मिलता था वो इस पे पहले क्या करता था, सिग्नेचर करने के बाद वो इंडिया में मिला लिया जाता था। तो इनमें से कौन सा है वो सिग्नेचर पत्र की बात हो रही है, कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, क्या ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन, ये है या उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी में गलती से, देखो इन दोनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, ये तो है ही नहीं, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन हो जाएगा।
आओ 11वें क्वेश्चन पे, भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, मतलब भारत में जो भी रजवाड़े थे, पेंसिल स्टेट थे, उनकी संख्या कितनी थी। तो हमने पढ़ा था अभी 565 थी, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 12वें क्वेश्चन पे आओ, डैस के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। डैस के नवाब यानी कौन से नवाब की बात हो रही है जो संविधान सभा में दोस्तों शामिल नहीं होना चाहते, ये भी आपके लिए आज दूसरा क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। निम्न शहरों में सांप्रदायिकता हिंसा अधिक हुई थी, इनमें से कौन से ऐसे शहर थे जहां पे सांप्रदायिक हिंसा ज्यादा हुई थी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए लाहौर में बहुत ज्यादा हुई थी, ठीक है, एंड आपका कोलकाता में बहुत ज्यादा हुई थी। तो दो जगह जहां पे दिख रही है, देखो जो हमने पढ़ा था दो जगह मेन देख लो, इसमें लाहौर और कोलकाता दोनों है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। इसमें लाहौर और कोलकाता दोनों है, ये भी हो जाएगा गलत। क्या इसमें ये तो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, लाहौर कोलकाता एंड अमृतसर। तो ये आपका यहाँ पे 13वां क्वेश्चन होता है भाई, क्लियर। आओ 14वें क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी दोस्तों, 1948, 1949, 1950 या 1952। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1952, ठीक है, 1952 बनाने की घोषणा करी थी। 15वां क्वेश्चन, किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी, कौन से ऐसे गांधीवादी नेता थे, ठीक है, गांधीवादी यानी गांधी की विचारधारा वाले नेता थे, उनकी मृत्यु भूख हड़ताल यानी भूख हड़ताल के कारण हुई थी, ठीक है, भूखे मरने से, कौन से, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, श्री पोट्टी श्रीराम मुल्लु थे। आपको याद होना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल भी कराया, आप जाके देख सकते हो, प्रैक्टिकल कराया इसके अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकली रूप से समझो, ठीक है, आर्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, बट एचआर अकेडमी प्रैक्टिकल भी कराती है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश के शासक को निजाम कहा जाता था, कौन से शासक थे, कहाँ के शासक थे जिसको निजाम कहा जाता था, तो अभी हमने पढ़ा हैदराबाद, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकलने हैं, ठीक है, और आसान आसान क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, कब स्टैब्लिश किया गया स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन को, क्या 1952 में किया गया था, या 1953 में, या 1956 में, या 1950 में। तो 1953 में, 52 में जब आंध्र प्रदेश आपका बन गया था, तो 1953 में और राज्य मांग कर रहे थे, इस कारण स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन को क्या करना पड़ा भाई, लागू करना पड़ा। अब बताओ मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1906, कब हुआ था भाई, 1906 में मुस्लिम लीग का क्या हो गया था भाई, गठन हो गया था, मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। 19वां, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, कब पास हुआ भाई राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1953 के अंदर कब पास, सॉरी ये बन गया था पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, और पास कब हुआ 1956 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। डैश भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक व्यक्ति यानी बात हो रही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, ठीक है, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया था। पहले ये समझो सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार है क्या भाई, सार्व यानी सारे, भौमिक यानी जो भी इंडिया की भूमि पर रहते हैं, ठीक है, व्यक्ति यानी जो भी 18 प्लस है, तो उनको वोट डालने का क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया था, ठीक है ना। 1948 में चुनाव कराए गए थे, कौन सा राज्य इनमें से, केरल, कर्नाटक, मणिपुर या बिहार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर, ठीक है। चलो दोस्तों पढ़ते हैं अपना 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन बोल रहा है रजाकार कौन थे, ये निजाम द्वारा बनाया गया था दोस्तों, रजाकार ये कौन थे, राजा के मंत्री थे, निजाम के अर्ध सैनिक बल थे, सरकार के कर्मचारी थे, या पुलिस के कर्मचारी थे, जल्दी बताओ चारों में से क्या आंसर हो जाएगा। पहला राजा के मंत्री थे क्या, नहीं, सरकार के कर्मचारी नहीं, अभी मैंने बोला निजाम की अर्ध सैनिक बल थी, ठीक है ना, निजाम की अर्ध सैनिक बल यानी सेना थी, छोटी सेना थी, जो किस काम क्या काम करती थी, लूटपाट का काम करती थी, ये सभी काम करा करती थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1919, 1920, 1925 या 1926, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और इसी में मांग रखी थी नेहरू जी ने कि हम क्या करेंगे भाई, राज्यों के मतलब भाषा के आधार पर क्या बनाएंगे, स्टेट बना देंगे, और फिर ये 1952 में स्टार्ट हो गया था। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये राज्य कब बने, 1950, 1960, 1970, 2000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, 2000 के अंदर स्टेट बनाए गए थे तीनों, ठीक है। 25, दो राष्ट्रीय सिद्धांत के द्वारा दिया गया था, मतलब दो ही राष्ट्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, अंग्रेज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा दो ही राष्ट्रीय सिद्धांत का क्या दिया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात कब राज्य बने थे, ये कब राज्य बनाए गए थे भाई महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये 1960 में बनाए गए थे, ठीक है ना, आंसर याद रखना, 1960 में बनाए गए थे, 2000 में वो बनाए गए थे।
27 डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, कौन सा था भाई? पंजाब बंगाल, पंजाब गुजरात, बंगाल गुजरात, तो आपको पता होना चाहिए दो एरिया थे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है। तो इधर वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, इधर वाले को क्या बोलेंगे, पंजाब और बंगाल की बात हो रही है, तो इधर पंजाब था इधर बंगाल था, इसलिए दो पाकिस्तान बने, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हुआ था, बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत लूटपाट, ये सारी चीज़ें यहाँ हुई थी। विभाजन के कारण लगभग डैश पार जाना पड़ा था लोगों को, अपना घर बार छोड़कर सीमा पर जा, मतलब इसमें ये पूछना चाह रहा था, विभाजन के कारण लगभग कितने लोगों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ लगभग 90 लाख, जिसमें 10 लाख की डेथ हो गई थी, 90 लाख लोग, इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या बोला गया था दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इसको क्या बोला गया था दोस्तों, अभी बोला ना मैंने, स्थानांतरण विभाग, वो क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा विस्थापन बोला गया इसको, जिसमें 10 लाख लोगों की डेथ हुई, 90 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह गए दोस्तों। 1947 के 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था उसे किस नाम से जानते, तो अभी हमने पढ़ लिया, भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कला कालक्रम के अनुसार लिखिए, चलो पढ़ते हैं क्या है भाई, देखो डेट के हिसाब से हमें इसमें सेट करना है, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1920। राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग कब बना था, एक्ट नहीं पूछ रहा, आयोग पूछ रहा, तो ये 1953। श्रीरामपुर टिमुल्लू भूगड़ताल कब हुई थी, 1952 के आसपास, ठीक है। आंध्र प्रदेश की घोषणा 1952। अब आप इन दोनों में कन्फ्यूज हो गए, कन्फ्यूज होना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलिए। पोट्टी श्रीराम मुल्लू ने भूख हड़ताल किस लिए करी थी, आंध्र प्रदेश बने, और आंध्र प्रदेश बाद में बना है, पोट्टी राम श्री मुल्लू पहले, तो फर्स्ट हो जाएगा ये आपका, फिर होएगा सेकंड ये, अब इनमें सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 1920। फिर सेकेंड नंबर पर क्या हो जाएगा ये, फिर थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा ये, और फोर्थ नंबर पर हो जाएगा आपका ये, समझ आ गया दोस्तों। 30 क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किया भारत के राजनेता से, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस नेता से संबंधित है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सबको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है ना, सी आंसर हो जाएगा इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। 32वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन के कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसने कितने राज्यों के गठन की सिफारिश करी थी, तो आपको 14 राज्यों के गठन की सिफारिश करी थी दोस्तों, ठीक है। अब देखो अपने एमसीक्यू सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, 2-3-5 मार्क्स वाले। अब देखो पहला क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, मतलब बात कर रहा है जो राष्ट्र निर्माण हो रहा था उसकी प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, जब इंडिया का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो राष्ट्र के निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां थी, पहला एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतांत्रिक स्थापित करना, तीसरा समान आर्थिक विकास करना। अब समझो पहले ये है क्या, ठीक है, आराम से समझते हैं इस चीज को, एक बार आप नोट करो फिर आराम से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, लिख लिया होगा, ठीक है, चलो समझो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख कौन कौन से चैलेंजेस थे, तो राष्ट्र निर्माण के 3 प्रमुख चैलेंजेस थे, पहले यूनिटी बनाए रखना, पहला पॉइंट ये है दोस्तों, यूनिटी बनाए रखना। आपको पता है इंडिया में कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो इन अलग अलग लोगों को एक साथ बनाए रखना, ये फर्स्ट चैलेंजेस था। दूसरा लोकतंत्र स्थापित करना, आपको पता है इंडिया में सिर्फ उस टाइम 15% एजुकेटेड लोग थे, अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे भी, तो लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अच्छे तरीके से इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो लोकतंत्र को स्थापित करना मुश्किल था। और आर्थिक विकास करना दोस्तों, समान आर्थिक विकास करना, आपको पता है उस टाइम इंडिया डेवलपिंग कंट्री में से जाना जाता था, डेवलप कर रहा था दोस्तों, एकदम खत्म था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं थी, इस वक्त पे एकदम समान विकास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इक्वली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस बनने थे, पहला क्वेश्चन क्लियर, आओ आप सेकंड क्वेश्चन पे, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, दोनों लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकता लाइन बाय लाइन, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एग्जाम में टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, वही लिखा है, देयर मेन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, फर्स्ट क्या था आपका, यही पढ़ा यूनिटी, सेकंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक, तीसरा आपका इक्वली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यही हमने पढ़ा। सेकंड, विभाजन के क्या परिणाम थे दोस्तों, क्या विभाजन के परिणाम थे वो हम समझते हैं। देखो ये मैंने शायद एंड में भी क्वेश्चन करा रखा है, एक मिनट चेक करते हैं, ये आपको वहाँ पे पॉइंट पे लिखना है दोस्तों, ठीक है, मेरे को इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें पॉइंट में लिखनी है।
कहाँ गया यार वो क्वेश्चन का? तो एक बार आप यहां से पढ़ लो, ठीक है, विभाजन का पढ़ना, फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है? तो दोनों पॉइंटों को समझना, फिर आराम से लिख के आना। चलो समझते हैं। देखो विभाजन के निम्नलिखित, निम्नलिखित यानी बहुत सारे परिणाम थे। पहला, सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक ही जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी, मतलब इंडिया की जो आबादी थी वो पाकिस्तान जाने को मजबूर हुई, पाकिस्तान की आबादी इंडिया आने को मजबूर हुई। यह स्थानांतरण आकस्मिक और अनियोजित था, मतलब किसी को पता नहीं था ये कब होने वाला है, और ये त्रासदी से भरा था, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। मानव इतिहास से अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक था। अभी हमने बोला वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या था, ये विस्थापन था। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का अपहरण, बलात्कार की घटना, जबरन शादी, कुल की इज्जत बचाने के लिए उन्हें मार दिया जाता था, ठीक है, तो ये क्या होता था, अब महिलाएं जो थी वो उनका क्या अपहरण हो जाता, बलात्कार, इस कारण महिलाओं को भी मार दिया जाता था, और काफ़ी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को मार देती थी इसी कारण जो लड़की हुआ करती है, ठीक है, और कितने बच्चों का अपहरण हुआ करता था। हिंसा घटना, मार काट, इसके अंतर्गत दोनों समुदाय के बीच, दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या हुई, हिंसा घटनाएं हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई जिसमें 15 से 10 लाख लोग मारे गए। अन्य वस्तुओं का बंटवारा, मतलब बहुत सारी वस्तुओं का बंटवारा हुआ जिसमें से आपकी टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस, रेलवे कर्मचारी इत्यादि, इन सब चीज़ों का हुआ दोस्तों बंटवारा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा से और पॉइंट्स बताऊंगा इसमें, जब वीडियो में लेके जाऊंगा तो और पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जब तक इतना काफी है, 2-3 नंबर का आएगा आप लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब सरदार पटेल की अहम भूमिका क्या थी, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका क्या थी रियासत को मिलाने में, तो भारत में 565 रियासत को मिलाया गया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आज़ादी के बाद देश के एकीकरण में काफ़ी अहम योगदान दिया, मतलब आज़ादी के बाद भी उन्होंने इस यूनिटी को बनाए रखा, इसलिए उनकी जो वो एक स्टैचू ऑफ यूनिटी खड़ी है आप देख सकते हो, ठीक है। देश को एकजुट करने के लिए पटेल ने राजनीतिक और कूटनीति तरीके से, मतलब पॉलिटिकल तरीके से जितनी पॉलिटिक्स खेली गई, उन्होंने पॉलिटिक्स खेल के क्या करा, सभी जितने भी रजवाड़े थे, जितने भी प्रिंसिपल स्टेट थे, उनको मिलाया गया, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 में देश की आज़ादी के बाद उन्होंने भारत में 560 यानी 565 दोस्तों, ठीक है, 565 रियायतों को मिलाया था। चीज़ें क्लियर हो गई भाई अच्छे तरीके से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, ठीक है। अब कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को लिख देना कैसे मिलाया गया, अभी पढ़ेंगे भी हम। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे इनमें से, तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पढ़ चुके हम। चलो दोस्तों वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैदराबाद का विलय करना क्यों कठिन था। यहाँ पे दोस्तों हैदराबाद रियासत की बात हो रही है, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ जब तक आप क्वेश्चन की तरफ देखो। हाँ, हैदराबाद का विलय करना क्यों कठिन था, हैदराबाद रियासत की बात हो रही है कि जो हैदराबाद वाली रियासत थी इसका विलय करना क्यों बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था हमारे, हमारी सरकार के लिए, प्लस में जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता थे वो इस रियासत को मिलाने में क्यों इतनी ज़्यादा कठिनाई उन्होंने सही, उस चीज़ की हम चर्चा करने वाले। तो पहले आपको थोड़ी चीज़ें बता दूँ, हैदराबाद क्यों हमसे मिलना नहीं चाह रहा था। पहली बात, लॉर्ड माउंटबेटन जब जा रहे थे उन्होंने बोल दिया, आपको सभी देशी रियासत प्रिंसिपल स्टेट को बोल दिया था, आपको पाकिस्तान में मिलना है मिल सकते हो, आपको इंडिया में मिलना है मिल सकते हो, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, स्वतंत्र रहना है, आप रह सकते हो। बस ये बात जो हैदराबाद के जो निजाम था उसको अच्छी लग गई, भाई हम स्वतंत्र भी रह सकते हैं, तो फिर वो उसके पास अपनी सारी चीज़ें थी, और बंदा वो एक होता ना अमीरी की लिस्ट में वर्ल्ड के वर्ल्ड नंबर पे 7 नंबर पे वो गिना जाता था, तो एकदम अमीर टाइप का बंदा था, उसके पास अपना जहाज, अपनी सारी चीज़ें थी, उसको किस चीज़ की कमी नहीं थी, वो रियासत को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अपनी सेना, अपनी हर चीज़ ओके थी, तो वो क्यों मिलना चाहेगा किसी में, ठीक है ना। तो फिर बहुत सारी कठिनाइयों उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलो देखते हैं, एक वर्ड पढ़ते हैं आराम से, ठीक है। देखो, हैदराबाद की रियायत बहुत बड़ी थी, यह चारों तरफ से हिंदुस्तान इलाके से घिरी हुई थी, मतलब बोला जाए हैदराबाद रियासत बड़ी थी और हिंदुस्तानी इलाकों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। उसके बाद हैदराबाद के शासक निजाम कहा जाता था, मतलब हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, और उसका नाम था उस्मान अली खान, ठीक है। और यह वह दुनिया सबसे उस दुनिया का वो सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था, मतलब सबसे दौलतमंद था, सबसे ज़्यादा पैसे वाला था, जो भी आपको मैंने बताया। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, मतलब वो चाह रहा था हैदराबाद की रियासत जो है आजाद रहे, ठीक है ना। और निजाम सन 1947 में नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता करता है। अब ये वाला समझौता समझना, यथास्थिति बहाल रखने का समझौते का मतलब है दोस्तों कि एक साल तक कोई रोक टोक नहीं, 1 ईयर तक किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, हम मतलब एक साल के अंदर रोक टोक की बात नहीं, एक साल के अंदर ना दोस्तों आप हमें कुछ नहीं बोलोगे, एक साल बाद हम, मतलब टाइम मांग रहा था, एक ईयर के लिए क्या मांग रहा था बस ये समझो, 1 ईयर के लिए क्या मांग रहा था, टाइम, किस चीज़ का टाइम, रियासत में मिलने के लिए, सोचने के लिए टाइम मांग रहा था, फिर भी हमने टाइम दे दिया, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह समझौता एक साल के लिए था, हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन छोड़ा, मतलब जो वहाँ की हैदराबाद की जितनी भी पब्लिक थी वो सारी परेशान थी निजाम से, उन्होंने एक आंदोलन करा जिसमें महिलाएं, किसान वगैरह सब शामिल थे, ठीक है। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से क्या थे, खास तौर पर दुखी थे, जो भी वो शासन कर रहा था, जो दबाव बनाए रखता था जनता पे, इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। निजाम के खिलाफ उठे कड़े
निजाम के खिलाफ वो क्या हुए थे भाई, खड़े हुए, ठीक है, उन्होंने कदम उठाया और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, और भी दो तीन पॉइंट आप लिख सकते हो। महिलाओं ने निजाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुल्म, महिलाएं क्या लिखा हुआ है, महिलाएं निजाम के शासन सबसे ज्यादा जुल्म के शिकार हुई थी। हाँ दोस्तों समझो, महिलाएं जो थी वो सबसे ज्यादा किसके जुल्म का शिकार हुई थी, आपके निजाम के, ठीक है ना, थोड़े वर्ड में मिस्टेक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ी, मतलब लोगों के साथ जो भी आपके मैन थे उनके साथ धीरे धीरे आंदोलन मूवमेंट में कौन जुड़ रही है, वुमेन्स भी जुड़ रही है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस ही, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ की जो हैदराबाद में जो कांग्रेस थी इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे, ठीक है। तो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन को देख निजाम के लोगों ने निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक, अब क्या हुआ, आंदोलन चल रहा था, आंदोलन सारी चीजें हो रही थी, फिर निजाम क्या करता है, एक अर्धसैनिक बल बनाता है, ठीक है, उसका हेड रजाकार बनाता है, इसको रजाकार भी बोलते हैं, और उसका हेड बनाता है कासिम रिजवी को, और ये सारे गलत काम स्टार्ट करवाता है, लूटपाट सारी चीज स्टार्ट, बलात्कार वगैरह सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, इसे रजाकार कहा जाता है, ठीक है ना, अर्धसैनिक बल को। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशान होने के बाद जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या चलाते हैं, ऑपरेशन पोलो, और 1948 में क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, उसके बाद ये जो रियासत थी इसको मिला लिया जाता है। तो इतना आप लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है, ये सारी कठिनाइयां आई थी, ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, चेक कर लेते, दिख रहा है आपको सारी चीजें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग, ठीक है दोस्तों, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, रजवाड़ों का विलय करना एक गंभीर समस्या कैसे बन गई, मतलब जो भी रजवाड़े थे, रजवाड़े आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है, रजवाड़े यानी यहाँ पे देसी रियासत प्रिंसिपल स्टेट की बात आ रही है, इनको मिलाना एक गंभीर समस्या कैसे बन गई, चलो पढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा आंसर वही है जो मैंने आपको बताया था, बाकी एक बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात, मतलब स्वतंत्रता के बाद रजवाड़ों के विलय करना एक गंभीर समस्या के रूप में उभर आया, क्योंकि अंग्रेज शासन ने यह घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। उसने बोला जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा, जिस तरीके से हम भारत को आज़ादी दे रहे हैं, इसी तरीके से जितने भी रियासतें वो क्या हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, मतलब वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ के राजाओं को अधिकार होगा कि वह अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में मिले, अभी बताया मैंने, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं, मतलब वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला राजाओं की प्रजा को नहीं था, यह फैसला लेने का अधिकार राजा के पास ही था। मतलब वही टोटली बात यहां पे बोली गई है जो अभी मैंने तुरंत पहले आपको समझाई। मैंने बोला जब अंग्रेज छोड़ गए थे, अंग्रेजों ने बोला आपको हिंदुस्तान में मिलना है मिल जाओ, आपको पाकिस्तान में मिल जाए मिल जाओ, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो रह सकते हो, और यह अधिकार वहां की जनता को नहीं था कि वो चीज पर चर्चा करे, इसमें सिर्फ राजा ही भाग ले सकता है, राजा ही मिला सकता था। इस कारण हैदराबाद की जनता तो चाहती थी हम इंडिया में मिल जाए, बट राजा जो निजाम था वो नहीं चाहता था, उस्मान अली खान नहीं चाहता था कि वो किसमें मिल जाए भाई, इंडिया के अंदर। तो ये सारी कठिनाइयां आ रही थी दोस्तों देसी रियासत को मिलाने में, ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, रजवाड़े को विलय करना एक गंभीर समस्या इस तरीके से बनी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रजवाड़ों का विलय करने में सरकार को क्या, रजवाड़ों का विलय करने में सरकार का नजरिया कैसा था, मतलब रजवाड़ों का जब विलय हो रहा था उसमें सरकार का नजरिया कैसा था दोस्तों, उस चीज़ पे बात करी जा रही है। रजवाड़ों के शासन को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऐतिहासिक भूमिका निभाई, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों को मिलाया बहुत मेहनत तरीके से दोस्तों। अधिकतर रजवाड़ों को उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, मतलब अधिकतर जो रजवाड़े थे उनको भारतीय संघ में शामिल कर लिया था, सिर्फ 5 रजवाड़े जो थे वो ज़्यादा जिद बहस कर रहे थे, तो फिर इनको जिद बहस से वहाँ से क्या करा भाई, मिला लिया, ठीक है, समझ आ गया भाई सरकार का नजरिया किस प्रकार था। देखो सरकार का नजरिया, एक और पॉइंट ले सकते हो, सरकार का नजरिया लचीला था दोस्तों, आप प्यार से मान रहे हो, प्यार से मिला ले रहे हैं, आपकी कुछ शर्तें शर्तों को मान ले रहे हैं और प्यार से मिला ले रहे हैं, ठीक है, तो ये नजरिया भी था सरकार का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मणिपुर को भारत में विलय करने में क्या समस्या आई, मतलब जो आपका मणिपुर था हैदराबाद को मिलाने में तो समस्या का पता लग गया, मणिपुर को मिलाने में क्या क्या समस्या है, चलो उस चीज़ पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आज़ादी के पहले मणिपुर का महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारत संघ में अपनानी रियासत के विलय के एक समिति पद पर हस्ताक्षर किए। इस पूरी लाइन का मतलब है मणिपुर के जो राजा थे बोध चंद्र सिंह भारत सरकार के जो भी भारत संघ में अपनी रियासत को शामिल होने के लिए उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे कि हम आपके इंडियन यूनियन में मिलना चाहते हैं, ठीक है ना, इसके लिए साइन कर दिया। इसके बदले में उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर के आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, मतलब आंतरिक जितना भी मामला होगा इंटरनल मामला
वो आप संभाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्सटर्नल हम संभालेंगे, ये बात रख दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इसी से हमें पता लग रहा है कि उनका नेचर कैसा था, सरकार का नजरिया कैसा था, लचीला भी था एंड कठोर भी था। जैसे कठोर किस टाइप में था, अगर वो नहीं मान रहा हैदराबाद वाला तो फिर लड़ाई करके मिला लिया। उसके बाद जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 जून में क्या कर दिया, चुनाव करवा दिया। अब थोड़ी कहानी सुना देता हूँ बीच की, वो सब कहानी भी आप इसमें लिख सकते हो। अब यहाँ तक हम समझ गए थे आंतरिक सत्ता बरकरार रहेगी। अब उसने सिग्नेचर कर दिया, किसने, बहुचंद सिंह ने, उसने सिग्नेचर कर दिया। अब वहाँ की जनता पूरी परेशान भाई, पूरी एकदम जनता होता ना क्लस, पूरी क्लस चुकी थी। उन्हें बोला आपने, क्योंकि वहाँ की मणिपुर की जनता नहीं मिलना चाहती थी, वो आज तक देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, मणिपुर की जनता मिलना ही नहीं चाहती थी इंडिया से, जबरदस्ती मिलाया गया, वो आज भी देखने को मिलता है, वो हेट करते हैं इंडिया से, ठीक है ना, वहाँ के लोग। चलो समझना, अब क्या होता है, महाराजा साइन कर देते हैं, उसके बाद जनता पूरी नाराज हो जाती है महाराजा से और बोलती है आपने हमसे बिना पूछे गए साइन कर दिया, बल्कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि महाराजा का ही डिसीजन एंड डिसीजन होगा। बट यहाँ पे जनता पूरी नाराज हो गई थी, कांग्रेस जो भी वहाँ के नेता वगैरह था वो सारे बेकार के, हमसे क्यों नहीं पूछा, ये सारी चीज़ें बोलने लग गए वो। अब चीज़ें बोलने लग गए। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी आपके बहुचंद सिंह होते हैं, इलेक्शन करा देते हैं 1948 जून में, जनता बोलती है इलेक्शन कराओ। तो सबसे पहले सार्वभौमिक व्यक्स मताधिकार वाला इलेक्शन पूछा जाए कि किस राज्य में हो इंडिया के, तो मणिपुर। एक नंबर में पूछा जाए कि सार्वभौमिक व्यक्स मताधिकार किस राज्य में होता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको टेपना है मणिपुर। कब हुआ, 1948 के अंदर, ठीक है। इस चुनाव के फलस्वरूप, मतलब इस चुनाव का जो भी डिसीजन निकला, मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, मतलब संवैधानिक, वहाँ संविधान भी था और राजतंत्र भी था, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, अब वहाँ पे दो लोग बहुचंद सिंह सिग्नेचर करना चाहते थे और वहाँ पे मंत्रिमंडल में सिर्फ कांग्रेस थी जो मिलाना चाहती, बाकी सब अगेंस्ट में थी पार्टी। फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल दबाव बनाते गए और फिर क्या हुआ, बिना मंत्रिमंडल से पूछे सिग्नेचर कर दिया, भाई किसने, आपके महाराजा ने। तो ये सब विलय करने में समस्या आई थी थोड़ी बहुत, जो आप लिख सकते हो, ठीक है, इलेक्शन वगैरह कराने पड़े। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, कोई नहीं, बाकी पढ़ लेंगे। रजवाड़ों का विलय से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है ना, किस तरीके से मर्ज करा गया प्रिंसली स्टेट को, इससे आप क्या समझते हो, ये पूछा गया रजवाड़ों के विलय से आप क्या समझते हो दोस्तों। तो क्या समझना, समझो ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, मतलब ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बटा था, समझना। आपको अभी बताया था मैंने वीडियो से पहले, जहाँ पे चेक लगा रहा हूँ, ये कौन है भाई, कौन था ये, ब्रिटिश यानी प्रोविंस वाला इलाका जहाँ पे किसका राज था, प्रांत, अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल था, और एक था देसी रियासत जिस पे कंट्रोल किसका था, राजा वगैरह का, जिसको हम देसी रजवाड़े, देसी रियासत, रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। तो इस पे किसका राज था, देसी रियासत वगैरह यानी राजा वगैरह का। तो इसी तरीके समझो ब्रिटिश दो हिस्सों में बटा हुआ था, ये दो हिस्से, एक ऐसे में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत में था, ठीक है, भारतीय प्रांत यानी जहाँ पे ब्रिटिश का क्या था, डोमिनेंस था, प्रभुत्व था, एक वो था, और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, मतलब जो भी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिशर थे, उनका सीधा कंट्रोल हुआ करता था किस पे, प्रोविंस पे, ठीक है। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, उन्हें रजवाड़ा कहा जाता था, रजवाड़े के नहीं, जिन पे राजा कंट्रोल है, रजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता था और राजाओं में ब्रिटिश राज्य के अधीनता, सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, ठीक है, और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे, मतलब रजवाड़े के अंदर जो राजा थे उसका कंट्रोल था और वो सारा शासन वो संभाला करता था, पर एक्सटर्नल कौन संभालता था, आपके ब्रिटिशर्स, ठीक है, क्लियर हो गया होगा भाई, रजवाड़ों से क्या समझ आ गया आपको। विभाजन की समस्या बताइए कि विभाजन की क्या समस्या थी भाई, क्या क्या समस्याएं भी जाना, तो विभाजन की निम्नलिखित समस्याएं थी। अच्छा आपको चीज दिख रही है, एक बार देख लूं भाई, हाँ कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के ऊपर की तरफ आएंगे दोस्तों। विभाजन की निम्नलिखित समस्याएं थी, एग्जांपल, पहली समस्या, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो, मतलब पूरी इंडिया में एक ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे मेजोरिटी में मुस्लिम लोग हो, दो जगह थी, ठीक है, केवल दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में था, जैसे हमारा इंडिया है मान लो, ठीक है, एक मिनट, जैसे अभी मैं गोली बना दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जैसे आपका इंडिया जो ईस्ट वाली साइड है, एक ये था और एक आपका कौन सा वाली साइड था, वेस्ट वाली साइड, ठीक है, तो ये दो इलाके में मुस्लिम लोगों की ज़्यादा बहुसंख्या थी, मतलब वो ज़्यादा मेजोरिटी में थे, कोई ऐसा तरीका नहीं था जहाँ इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। बाद में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी, पूरी पाकिस्तान ये सीधा आता, हमेशा पूर्वी होता है, पश्चिमी पाकिस्तान ये, ठीक है, भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। और दूसरी समस्या, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर इलाका पाकिस्तान में चले जाए भाई, आगे समझते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम उत्तर सीमा के निर्विवाद नेता थे, ठीक है,
खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के पश्चिम उत्तरी के नेता थे, उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में भी थी, मतलब उनको सीमांत गांधी बोला जाता था, और वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि टू नेशन थ्योरी जो बोली गई थी, ठीक है, विभाजन के लिए बोली गई थी, इसके वो बिल्कुल क्या थे, अगेंस्ट में थे। तीसरी समस्या और भी विकट थी, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, मतलब जो आपका पूर्वी वाला, देखो क्या बात बोली गई है कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, जहाँ पे मुस्लिम बहुल प्रांत थे पंजाब और बंगाल, उसमें अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे, मतलब वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो गैर मुस्लिम थे, ठीक है, उनकी आबादी भी थी, उनकी पॉपुलेशन भी थी। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा और इनमें जिले अथवा उनके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा, और 14/15/1947 की मध्य रात्रि को ये फैसला नहीं हो पाया। जो ये फैसले की बात कही गई थी 14/15 की मिडनाइट को, दोस्तों ये फैसला नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके बाद पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी था, पंजाब और बंगाल में विभाजन जो हुआ ये सबसे बड़ी त्रासदी थी, और दोस्तों ये पता नहीं था ऐसा होगा, ठीक है, एक रात में ये सारी चीज़ें हो गई, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बन सकते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, यही आएगा जो आएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, एक क्वेश्चन बन सकता है तो वो एक बार वीडियो में देख लेना, राज्य पुनर्गठन, मुश्किल ये क्वेश्चन मुश्किल बनेगा बट बन सकता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग दो नंबर में इसका काम पूछ लेगा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, ये कब बना है तो पता होना चाहिए आपको, 1953, और इसका एक्ट कब बन गया था, 1956। तो इसका काम पूछ लेगा, इसका काम क्या था दोस्तों, इसका काम यही था कि जितने भी राज्य हैं, पुनर्गठन मतलब पुनर्जन्म, मतलब दोबारा होता है, पुनर्जन्म सुना होगा, तो ऐसे पुनर्गठन मतलब स्टेट पहले बने हुए थे, इन स्टेट को दोबारा बनाना, ठीक है ना, पहले स्टेट बड़े बड़े थे उनको छोटा करना, इनको दोबारा बनाना, तो ये इसका काम हुआ करता था, सभी स्टेट को इसने अच्छे तरीके से बांटा। और 1956 में नेहरू जी ने इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं, अब चीज़ें हो चुकी है, फिर इसको 1956 में एक एक्ट बना दिया गया और सभी जो भी राज्य थे उनको लागू कर दिया गया। तो आपको इतना क्लियर हो गया, चलो सेकंड पीडीएफ खोलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की दोस्तों, चैप्टर अपना खत्म हो गया।